नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर है और दिन है शुक्रवार। सरसों पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि जो वीडियो अपलोड होता है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। दूसरा, जो हमारा डेली बुलेटिन अखबार आ रहा है उसमें बहुत विस्तार से सभी जिन्सों के बारे में, जैसे कल भी किसी साथी ने पूछा था कि जीरा के बारे में, मेथी के बारे में, ग्वार के बारे में, सरसों के बारे में, कॉटन, राइस और दूसरी जैसे कोई मसाला की वो कॉम्प्लेक्स है या कोई ऑयल सीड का कॉम्प्लेक्स है या कोई दूसरे और जो जनरल क्रॉप्स हैं, उन सब के बारे में कल भी बहुत विस्तार से बहुत सारी चीज़ें छप रही हैं, लेकिन हर रोज़ छपती हैं तो आप वो भी उसको भी देख सकते हैं। सरसों में देखिए, मैं जैसे निवेदन करता रहा हूँ कि सरसों वापसी करेगी, रिकवरी करेगी और 3 दिन से लगातार रिकवरी का दौर जारी है और सरसों ने, मुझे लगता है कि अब तक वापस 300 रुपये की रिकवरी तो कर ली है। 100-150 रुपये का नुकसान अभी बाकी है और शायद पूरी उम्मीद है कि वो रिकवरी भी होगी, क्योंकि जो फंडामेंटल है सरसों के वो बहुत मजबूत हैं। ये जो आवकें बताई जा रही हैं, आज भी उन्हीं सज्जन का एक बार दोबारा व्हाट्सएप संदेश मिला जिन्होंने कल परसों मुझे करेक्ट किया था कि जो आवकें हैं वो इतनी है नहीं बाज़ार में, मंडियों में, और उसको फिर हमने भी क्रॉस चेक किया, बहुत सी मंडियों में हमने बात की और पूरी टीम को काम पर लगाया और ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में जो आवकें हैं वो कमज़ोर हैं। और अब जो रिकवरी हो रही है, यानी आज जैसे 150 रुपये भाव बढ़ा है लगभग जयपुर का और 140-144 रुपये भाव बढ़ा है भरतपुर का, सलोनी के प्लांट भी आज 150 रुपये तक बढ़े हैं, इसी तरह से जो सोयाबीन के प्लांट हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज के दिन मेरे ख्याल से 2 बार, 150 एक बार और 150 एक बार, 2 बार प्लांट के भाव बढ़े हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अब सरसों की जो उपलब्धता है वो बहुत कम रह गई है और सोयाबीन का जो आगे जो फ्यूचर है, यानी सोयाबीन की जो क्रॉप है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए आगे इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, यानी उपलब्धता की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए भाव की दृष्टि से ब्राइट है, ऊंचा है और चमकदार है। तो ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत बड़े स्तर पर कारोबार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी इनका कारोबार होता है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको अपनी प्रतिष्ठा भी बचा के रखनी है, क्योंकि अगर जो ब्रांड का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो बाज़ार में अगर उपलब्ध ना हो तो बहुत दिक्कत होती है और उसकी एवज में फिर जो नकलची लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसके सेम नाम का या डुप्लीकेट थोड़ा सा नाम का करके और वो नकली सामान या लो ग्रेड का सामान बेचने के लिए निकलते हैं, इससे प्लांट की बदनामी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और प्लांट की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए ये जो खरीदारी कर रहे हैं आप इस समय प्लांट, इनको पता है कि आगे आगे भाव तेज हो सकता है और आगे आगे सरसों की मिलना, सरसों की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी। कल एक बात का और जिक्र हुआ था कि सरसों जब फसल आती है नई, जैसे मार्च के पहले हफ्ते में मान लेते हैं कि फसल आएगी, तो उस वक्त जो फसल आती है उसका तेल जो है वो काबिल नहीं होता घरेलू उपयोग के लिए और उसको सुखाने के लिए 1.5 से 2 महीने का समय चाहिए। ये हमें एक उत्तराखंड के एक तेल मिलर ने, बड़े तेल मिलर ने ये जानकारी दी थी कि उसको सुखाने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1.5 से 2 महीने, उसके बाद हम उसका प्रयोग करते हैं तेल के लिए। लेकिन ये जो सज्जन जिनका मैं नाम जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने उपलब्धता को लेकर के, मंडियों में आवक को लेकर के करेक्ट किया था, उनका कहना है कि 15-20 दिन के अंदर ही सरसों सूख जाती है। ऐसा होता होगा, अलग अलग इलाके का अलग अलग तापमान है, कहीं फसल में नमी में ज़्यादा कम होती है तो उस हिसाब से कोई कहीं 1.5 महीना भी लगता होगा, कहीं 15-20 दिन भी लगते होंगे। लेकिन आपका शुक्रिया कि आप बार बार हमें ठीक कर रहे हैं। आप कोई काम करते हैं तो उसमें गलतियां भी होती हैं और गलतियां स्वीकार करने में कम से कम मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर किसी लेवल पर कोई गलती है तो उसको हम स्वीकार भी करते हैं और आपसे क्षमा भी मांगते हैं और कोशिश ये रहती है कि हमारे कहने से, खेत खजाना के कहने से किसी साथी का, किसी किसान का, किसी व्यापारी का कोई 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फ़ायदा ना हो कोई बात नहीं है,
लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि सरसों रिकवरी कर रही है, कर रही है, कर रही है, तो सरसों वापसी रिकवरी पर आ गई है। अब जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। इसके बाद भी सरसों के अंदर थोड़ी और तेजी बनने की संभावना है। निश्चित रूप से बाजार तेजी की तरफ बढ़ेगा। ये मत सोचना कि आज के बाद, जैसे आज जयपुर का भाव 8375 रुपये के आसपास खुला है, तो कल ही वो 8900 रुपये का भाव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना। लेकिन 20-30-50 रुपये का, 150 रुपये का जो अप डाउन के साथ सरसों में तेजी का रुख बना रहेगा। कुल मिलाकर के दिशा अच्छी है, सरसों की दिशा अच्छी रहेगी। और बात करते हैं नरमा कपास की, तो कल एक हमारे साथी हैं अनूपगढ़, राजस्थान गंगानगर जिले में, अनूपगढ़ से, तो वो मंडी में कोई पदाधिकारी भी हैं बड़े और वो परिचित हैं, तो उनका एक फ़ोन था कि वहाँ बाज़ार में कुछ पूल करके व्यापारी और इस तरह से भाव दबा करके नरमा को यानी कॉटन को परचेज़ कर रहे हैं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत जागरूक हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और बाज़ार का भाव फिर से ठीक कर दिया। सभी साथियों का शुक्रिया। नरमा का जो दबाव है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की दिशा अभी क्लियर नहीं है। कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन करके, उसके कारण बाज़ार अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो उसमें तो आयात निर्यात का फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं, क्योंकि हमारा जो कॉटन का जो सूत का जो कारोबार है या और दूसरे यार्न का जो कारोबार है वो भी प्रभावित होते हैं। तो इन सब को मिला करके बाज़ार अनिश्चितता का दौर है। व्यापारी जो परचेज़ कर रहे थे जल्दी जल्दी पिछले दिनों और भाव 9000 से ऊपर देख रहे थे उत्तर भारत की मंडियों में और आपके मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की मंडियों में भी, तो वो स्थितियां जो थी तब बाज़ार में व्यापारी सक्रिय था और जो स्टॉकिस्ट है वो भी सक्रिय था, उनकी सक्रियता के कारण ये भाव था। अब जो है स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, भाव इसलिए स्टेबल है, पूरे देश में आज भाव लगभग स्टेबल रहा है और कहीं कहीं 150 रुपये का डाउन भी है, लेकिन वो इसलिए है कि बाज़ार में अभी दिशा नहीं बन रही है। बाज़ार का भी पता नहीं लग रहा है कि ये कोरोना क्या करेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कॉटन की क्रॉप बहुत कमज़ोर है, थ्रू आउट इंडिया कमज़ोर है, और आने वाले समय के अंदर कॉटन का बाज़ार तेज ही होना है। अब ये कितना तेज होगा और कहाँ तक तेज होगा और कब तक तेज होगा ये कहना तो कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि नया साल इस क्रॉप के लिए, कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। नए साल के शुरुआती दौर के जो 1-2 महीने हैं वो तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर में सरसों का भाव रहा है 7939 रुपये, कल भाव था 7799 रुपये, 140 रुपये तेज है। जयपुर में कल भाव था 8175 रुपये और आज है 8325 रुपये, 150 रुपये तेज है। एलनाबाद का भाव है 7740 रुपये, चरखी दादरी 7750 रुपये, गंगानगर 7736 रुपये, हापुड़ 8100 रुपये, कोटा 7500 रुपये, खैरथल मंडी 8000 रुपये। खैरथल मंडी से हमारे सहयोगी हैं और वो निश्चित रूप से एग्जैक्ट भाव दे रहे हैं। भाव सारे ही विश्वसनीय हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत को डाउट तो रहता है। कुल मिलाकर के हमें खैरथल में और खेरली मंडी के भाव के अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और खैरथल का भाव है 8000 रुपये, रायसिंह नगर का भाव है 7750 रुपये, आगरा का भाव है 9050 रुपये, ये सलोनी का भाव है। दिल्ली का भाव है 7850 रुपये, अलवर का भाव है 8050 रुपये, नागौर 7939 रुपये, संगरिया 7701 रुपये, आदमपुर 7625 रुपये, नोहर 7170 रुपये, खेरली 8041 रुपये, ग्वालियर 7700 रुपये, बीकानेर 7300 रुपये, जोधपुर 7960 रुपये, निवई मंडी 8300 रुपये, टोंक 8280 रुपये, हिसार 7350 रुपये, धौलपुर 7671 रुपये, सादुल शहर 7261 रुपये। कॉटन आज यानी बीटी नरमा कपास जिसे कहते हैं, अमेरिकन कपास, वो हनुमानगढ़ में आज बिकी है 8310 रुपये, अबोहर में 8170 रुपये, संगरिया में 8300 रुपये, सिरसा में 8336 रुपये, आदमपुर में 8100 रुपये, फतेहाबाद में 7800 रुपये, एलनाबाद में 8175 रुपये, सादुल शहर में 8237 रुपये, बरवाला में 7811 रुपये, रावतसर में 8192 रुपये, बट्टू में 7950 रुपये, गंगानगर में 8251 रुपये, विजयनगर में 8050 रुपये, मोड़ मंडी में 8040 रुपये, अनूपगढ़ में 8321 रुपये। तो कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी और भाव पर चर्चा होगी।
नमस्कार।